आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत और एकजुट करने पर जोर देगी, यह संकेत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने दिए हैं। उनका कहना है कि भाजपा को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत होना जरूरी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जनपद औरैया में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन की एकजुटता को और पीडीए का मतलब भी समझाया। मीडिया से मुखातिब होते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने ओपी राजभर पर भी जमकर निशाना साधा। राजभर के सपा मुखिया अखिलेश यादव के रात में मिलने और उनसे मदद मांगने वाले बयान पर शिवपाल यादव ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। देखिए, जो इंडिया गठबंधन है मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। इंडिया गठबंधन मिलकर के ही 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बना था, तो 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। देखो, पीडीए रणनीति है, पीडीए में तो सभी वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग के पिछड़े हैं, दलित हैं, अगड़े भी हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, जिनको अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, उपेक्षित लोग हैं, तो ये सब इकट्ठा होकर के पीडीए एक रणनीति के तहत और इंडिया गठबंधन है, तो ये सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। देखिए, पहले तो उनको हमारी तरफ से बधाई है, तो वो अपना अब वहाँ सरकार बन गई, अब देखें, अब अच्छा चलाएं, अच्छा काम करें, यहाँ तो हम लोग देख लेंगे, यूपी तो हम देख लेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से लगातार यूपी और बिहार को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश और बिहार में एक खास बिरादरी पर पकड़ मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया है। इस सवाल के साथ ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और 2024 के लिए रणनीति पर राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने क्या कहा, आइए उसे भी सुन लीजिए। हम उनको बधाई देते हैं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव बन गए, उन्हें बधाई, हमारी शुभकामनाएं, अब वहाँ पर अच्छा चलाए। देखिए, लाइन आर्डर नाम की तो चीज़ है ही नहीं यहाँ पर, कितनी घटनाएं हो रही हैं और घटनाओं के साथ साथ भ्रष्टाचार कितना है, महंगाई कितना है, तो यहाँ की जनता परेशान है। अब इंडिया गठबंधन लड़ेगा मिलकर के, ये तय हो जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगा, अभी तो समय है। देखिए, सीएम तो पूरी जनता को होता है, जब कोई सफल लेता है फिर वो किसी पार्टी का नहीं रहता है, फिर पूरे देखिए वह फिर तो वो तो लीडर अपोजिशन है, हैं मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, हैं रात में क्यों जाएंगे, दिन में जाएंगे जब मिलेंगे, तब अगर मिलना होगा दिन में मिलेंगे, और रात में अगर मिले हों तो वही मिलते हैं, वो रोज सफल लेते हैं, हमने भी उनकी सिफारिश करी है, फिर कर देंगे उनकी सिफारिश, जल्दी मुख्यमंत्री बना दो इन्हें राजभर को। हाँ, वो परेशान हैं परेशान, हम नहीं बना रहे हैं। ठीक ठीक खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।